भोलेनाथ के बगल में ये जो इतना स्वर्ण रेखा नदी है जहाँ पे स्वर्ण बहता था, पानी बहता था, जल बहता था गंगा के समान, उस नदी में आज देख रहे हैं कचरा बह रहा है। ये भगवान भोलेनाथ का। मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो शिवलिंग है सबसे बड़ा वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है, जिसकी ऊंचाई 111.2। सोचते हैं आप इसके विषय में? इस विषय में सोचते नाम तो स्वर्ण रेखा नदी जी, लेकिन वह पूरा भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग ये झारखंड का राजधानी रांची में है, और उसकी सुधरना चाहिए कि नहीं? भगवान भोलेनाथ का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पे है, बिल्कुल सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए, पुल भी बनना चाहिए, पुल और पुल भी बनना चाहिए। नमस्कार, सफर सच में आप सभी साथियों का स्वागत है। अभी हम राजधानी रांची में मौजूद हैं और राजधानी रांची का यह चुटिया स्थित जगह का नाम है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। जानते हैं देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की कई रूपों का पूजा की जाती है, लेकिन सबसे जो खास और सबसे जो अहम है वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा की जाती है। और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग राजधानी रांची में मौजूद है, करीब 108 फीट की ऊंचाई है यह भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग। देख सकते हैं हमारे जो पीछे हैं, कैमरा से आप दिखाने का प्रयास करेंगे, और यह भगवान भोलेनाथ शिवलिंग का जो नाम है सुरेश्वर महादेव मंदिर, स्थान रांची चुटिया में मौजूद है। और हमारे जस्ट बगल स्वर्ण रेखा नदी है, ये स्वर्ण रेखा नदी है, देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बगल में हमारे स्वर्ण नदी का क्या हाल है, जिस नदी में स्वर्ण बहता था पहले के समय में, उस नदी में अभी क्या बह रहा है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ के नगर निगम के जो लोग हैं उन्हें आईना दिखाने का काम करूंगा। आखिर ओम सुरेश्वर महादेव मंदिर जो भारत का दूसरा बड़ा सबसे शिवलिंग है रांची में, उसके बगल में राजधानी रांची के बगल में जो स्वर्ण रेखा नदी है जिसमें स्वर्ण बहता था, वह नदी में अभी आज के समय में क्या बहता है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मैं एक पॉइंट आपको दिखाऊंगा जो भगवान भोलेनाथ भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है उसके दीवारों में उसके जो प्राची है वो क्या लिखा मैं दिखाऊंगा। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है स्नान स्थल, ये नदी की ओर जाता है वो दर्शाता है, अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। और यही भ्रष्टाचार को हम दिखाने के लिए आप लोग के ले जाएंगे कि इस तरह से भ्रष्टाचार हमारा राजधानी रांची में होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला जो शिवलिंग है सबसे बड़ा वो केरल के तिरुवनंतपुरम में है, जिसकी ऊंचाई 111.2 फीट, और उसी भगवान भोलेनाथ के दूसरे सबसे बड़ा शिवलिंग के बगल में जो नदी गया है उसका हालत मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। आखिर क्यों नहीं सुधर सकता हमारा ये कचड़ा वाला जगह, कचड़ा वाला ये स्वर्ण रेखा नदी, जहां पहले स्वर्ण बहा करता था, जहां पहले गंगा जल के समान पानी बहता था सकता। आइए लेकर के चलते हैं थोड़ा नदी के समीप। देख सकते हैं हमारे बगल में भगवान भोलेनाथ का भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है, और हमारे बगल में इधर स्वर्ण रेखा नदी, और स्वर्ण रेखा नदी का हाल क्या है वो थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए, ये राजधानी रांची का नहीं बोल सकते पूरे भारत का सबसे गंदी नदी में से अभी आता है, लेकिन पहले जानते हैं यहां से क्या बहता था, स्वर्ण, इसीलिए इसका नाम पड़ा था स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी का अभी क्या हालत है आप देख सकते हैं, पूरे राजधानी रांची का कचरा यहीं आता है, पूरे राजधानी रांची का। और ये जिम्मेदारी बनती है नगर निगम को कि यहाँ की जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है उसके बगल में अगर यदि इस तरह का गंदगी रहेगा तो पूरे दुनिया को क्या मैसेज जाएगा, क्या सीख जाएगा, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं यहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है, इतना गंदगी है, और दूसरे में सबसे बड़ा शिवलिंग भारत का हमारे इसके समीप है। आखिर क्यों नहीं सुधर सकता हमारा झारखंड के रांची का यह नदी का गंदगी, केवल रांची का नदी का नहीं स्वर्ण रेखा नदी का यह गंदगी क्यों नहीं सुधर सकता है, सबसे बड़ा सवाल। और दूसरा पॉइंट, दूसरा मुद्दा, भगवान भोलेनाथ की दूसरा अपमान
इतने समीप भगवान भोलेनाथ का भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है और उसमें इस तरह का माहौल कैसे सुधर सकता हमारा झारखंड का यह सिस्टम? आखिर कहां सोई है झारखंड की नगर निगम, राजधानी रांची का या नगर निगम का जो टीम है, सिस्टम के जो लोग हैं, कहां सोई है? आईना दिखाने का काम करने का कोशिश हमारा है, लेकिन कम से कम ये सुधरेगा कि नहीं, ये मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं। देख सकते हैं पूरे राजधानी रांची का जो गंदगी है वो भगवान भोलेनाथ के समीप है, जो भगवान भोलेनाथ केवल नहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग के समीप, एक तरह से भगवान भोलेनाथ का ये अपमान है। आखिर क्यों नहीं सुधर सकता ये गंदगी? और मैं कुछ लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा, यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं ग्रामीण, चले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। चले एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करने का कोशिश करेंगे थोड़ा, और पूछेंगे आखिर क्या है यहाँ का दशा और कैसे सुधरेगा। दादाजी क्या सोचते हैं आप इसके विषय में? इस विषय में सोचते नाम तो स्वर्णरेखा नदी जी, लेकिन वह पूरा जो है रांची का गंदगी समाया जाता है, नाला हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है ओम सुरेश्वर महादेव मंदिर के समीप, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग है, उसके समीप ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग कुछ नहीं सोच रहा है, यहाँ के सरकार। भैया थोड़ा रुकिएगा, रुकिएगा। भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग ये झारखंड का राजधानी रांची में है, और उसके बगल में ये गंदगी, जो स्वर्ण रेखा जिसमें स्वर्ण बहती थी पहले, ये सुधरना चाहिए कि नहीं? सुधरना चाहिए। कितना गंदगी है, गंदगी तो है, गंदगी तो है, गंदगी है ना, गंदगी है मैम, सुधरना चाहिए। ये भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ पे, और गंदगी ऐसा सुधरना चाहिए? बहुत गंदगी है, सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए भैया, एकदम सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए, छठ पूजा सुधरना चाहिए भाई, सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए कि नहीं? दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, बहुत दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, छुट्टियाँ वार्षिक जाम लग जाएगा, थोड़ा मैं कर दूँ। ये स्थिति देख सकते हैं यहाँ का क्या है, सरकार भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग है। हाँ, शिवलिंग साफ सफा होना चाहिए हमारे हिसाब से, नदी में भी कचरा सब डाल देते हैं, हर मुँह का नाली पानी घुस जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, गाड़ी जाम लगेगा। भोलेनाथ के बगल में ये जो इतना स्वर्ण रेखा नदी है, जहाँ पे स्वर्ण बहता था, पानी बहता था, जल बहता था गंगा के समान, उस नदी में आज देख रहे हैं कचरा बह रहा है, ये भगवान भोलेनाथ का अपमान है कि नहीं? ये तो सरासर अपमान है। क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? इसके बारे में यही सोचा जाए कि सरकार को शुरू से इसके लेकर एक्शन लेना चाहिए। जो भी नाला है इसके अंदर मिला दिया गया, सोनखा नदी के अंदर जो भी है, जो आप बोलते हैं हिंदपीढ़ी सबसे जो बहता है ओवर ब्रिज तरफ से, वो भी नाला इसी में जी मिक्स है, पूरे राजधानी रांची का गटर का नाला इसी में मिला, इसी में मिला दिया गया। तो ये पहले तो आदमी इस पानी से नमन करता था, सब पूजा अर्चना करता था, अब यहाँ पे छठ में भी सोचता है आदमी आने के लिए कि भाई इस तरह से गंदा पानी में कौन यूज करे। ये हमारा झारखंड का हालत है, गंगा जैसी उतनी बड़ी रिवर, वहाँ से गंदगी साफ हो सकती तो हमारे झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी से क्यों नहीं, सवाल है, और ये सवाल बनता है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग जो कि झारखंड के राजधानी रांची में है, उसके समीप स्वर्ण रेखा नदी में इतनी गंदगी, ये भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं तो क्या? बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड।